अल्टा बालाजी की वेब सीरीज क्लास ऑफ 2020 जल्द ही रिलीज होने वाली है और ऐसे में इसकी अभिनेत्री ईशा चावला का फोटोशूट देखने को मिला। फोटोशूट के लिए मौका तो कुछ नहीं होता है खैर, बट मेरे जो ये लुक्स थे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे और मैंने पर्टिकुलरली अपने स्टाइलिस्ट को बोला था कि ये यही होने चाहिए बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई रियली वांट एंड माय फोटोग्राफर इज़ रियली गुड, इवन माय मेकअप आर्टिस्ट, सो द होल टीम इज़ रियली नाइस, सो इट वाज फन। क्योंकि पर्टिकुलरली मैंने सोचा था कि यही लोग ही चाहिए, स्पेशली माई मेकअप आर्टिस्ट बिकॉज शी इज़ रियली रियली गुड एंड इवन माई फोटोग्राफर इज़ ऑल्सो अमेजिंग। बिकॉज दे हैव सो माई फोटोग्राफर इज़ वो प्रॉपर ही नोज दैट कौन सा सेंटर है क्या है, बिकॉज बहुत सारे फोटोग्राफर्स होते हैं जो बहुत ही सॉरी टू से दैट बट बहुत टैकी पिक्चर्स भी लेते हैं कभी कभी, सो आई रियली वॉन्ट कि पर्टिकुलरली एक प्रॉपर पिक्चर होनी चाहिए, सो दैट्स आई वॉन्टेड एंड आफ्टर क्लास ऑफ 2020 मुझे एक फ़ोटोशूट करना ही था, सो वाई नॉट नाउ। It was a really fun for me because मैंने सोचा नहीं था इतना ज़्यादा फ़न होगा, क्योंकि मैं पहले श्योर नहीं थी कि मैं करूँगी कि नहीं करूँगी, बिकॉज़ जो कैरेक्टर था वो बहुत ही अमेजिंग है, बट उस टाइम पर मुझे लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा या क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज मैंने स्क्रिप्ट उस टाइम पर पढ़ी नहीं थी जब तक मुझे विकास ने बताया नहीं था। तो उसके बाद जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी एंड आई वॉज लाइक आई हैव टू डू दिस बिकॉज आई हैव नेवर डन अ कैरेक्टर लाइक दैट, जो कि बहुत ही इनोसेंट बहुत ही स्वीट एंड बहुत फन था एंड ऑन द सेट ऑल्सो लाइक माई डायरेक्टर ही रियली सपोर्टेड मी देयर एंड आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, सो इट वॉज फन। सो ऑन द शूट ऑन द सेट बेसिकली, सो सेट पे मज़ा आता था हम लोगों को क्योंकि सर ना बहुत एग्जैक्टली बताते थे कि क्या करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे बहुत ही कुछ कुछ नए एक्टर्स भी हैं, इससे पहले मैंने जाबा सिंदबाद किया था जी टीवी के लिए, आफ्टर दैट आई एम डूइंग दिस, सो वो कैरेक्टर बहुत डिफरेंट था और ये कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है क्योंकि उसमें वॉरियर था, वॉरियर जैसी मैं थी उसमें, इसमें इट्स अ स्कूल कॉलेज फन, ठीक है, तो बच्चों की तरह रहना होता है, सो आई एम लकी बाई गॉड कि मैं छोटी दिख जाती हूँ, तो वो फ़ायदा था एंड इट वॉज रियली फन वर्किंग विद आरम सर। सो मेरा बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेतना के साथ है और आलम खान के साथ है जो मेरे ऑपोजिट है टोटो, तो उसका जो कैरेक्टर इज़ टू मच फन बिकॉज ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर एज वेल, तो मैंने बहुत कुछ सीखा भी है उससे एंड चेतना के साथ यही बिकॉज वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बनी है शो में, तो मेरे लिए बहुत फ़न था बिकॉज मेरी वैनिटी भी उसका शेयर होती थी, सीन्स भी मोस्टली उसके साथ होते थे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को शूट करके। नो नॉट एट ऑल बिल्कुल मुझे प्रेशराइज फील नहीं हो बिकॉज जो मेरी टीम थी मुझे फील ही नहीं होने दिया उन लोगों ने, तो बेसिकली हमारी 2 महीने पहले वर्कशॉप चालू हुई, उसके बाद हमने शूट किया है, तो 2 महीने जितना भी था वो बहुत ही हमने बॉन्ड बना लिया था एक दूसरे के साथ, इवन द एवरी वन एक्चुअली स्पॉट दादा ले लो आप, प्रोडक्शन हाउस लाइट दादा, एवरी वन आई एम टेलिंग यू, तो बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था और लग ही नहीं रहा था कि हम लोग एक मतलब ऐसे जाके सुबह जाना है शूट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था, इट वॉज लाइक अ फैमिली थिंग एंड इट वॉज रियली फन। सो या सी सो आई फॉलोड बट मैंने इतना फॉलो नहीं किया बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल पाया इतना फॉलो करने के लिए, बट आई एम सपोर्टिंग एवरी वन, आई थिंक सब लोग बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं और सब लोगों ने बहुत ही अच्छा अपना पोटेंशियल दिया है उस शो के लिए बिकॉज ये सबसे बड़ा अब तक का शो रहा है, मतलब लॉन्गेस्ट शो है, तो मुझे लगता है कि सब ने अपना एक एफर्ट पुट किया है तभी इतना बड़ा शो बन पाया वरना नहीं बन पाता, तो आई थिंक सब लोग ही बहुत अच्छे हैं इसमें, सब लोग अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं,
और आई थिंक एवरीवन इज गुड. ऑनेस्टली मैंने ना सोचा नहीं बिग बॉस के लिए बिकॉज आई एम रियली टेरिफाइड ऑफ गोइंग इनसाइड द हाउस एंड आई डोंट नो. लेट्स सी. सारा अली खान और कार्तिक आर्यन की फिल्म लव आजकल 2 जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और इस मौके पर वे मीडिया से बातें करते हुए दिखाई दिए. आपको बता दें कि फिल्म का ट्रेलर तो लोगों द्वारा काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है. हाइपोथेटिकली ये बहुत अच्छा साउंड कर सकता था लेकिन आई थिंक इम्तियाज अली सर ही हैं जो पूरा क्रेडिट लेते हैं और उन्हीं की वजह से हम दोनों इस फिल्म में जिस तरीके से उन्होंने ये फिल्म को चाहे वो लिखा हो चाहे वो डायरेक्ट किया हो उसके अलावा चाहे वो कास्टिंग सोची हो वो बहुत ही अलग ही मतलब बहुत पहले ही उन्होंने ये कास्ट सोच रखी थी दिमाग में एंड पूरा श्रेय उनको जाता है पूरा क्रेडिट उनको जाता है एंड या बिफोर कॉफी कास्टिंग सोच के नहीं मैं ऑलरेडी फिल्म कर रहा था इम्तियाज सर के साथ बट उनके दिमाग में आई डोंट नो तब तक क्या मतलब मैंने कभी ऐसा पूछा नहीं कि किसकी वजह से या क्या चीज़ की वजह से बट ऑफकोर्स आई रियली फील कि जो पूरा एक डायरेक्टर्स मीडियम होता है वो हर चीज़ के परे होता है इन सब चीज़ों में कास्टिंग को लेकर चाहे किसी भी चीज़ को लेकर एक 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 पेयर की तरह उनको आई थिंक दिख रहे हैं हम दोनों इस फिल्म में और दिख रहे होंगे तब भी जब उन्होंने कास्टिंग सोची होगी. सो आई डोंट थिंक सो कि वो किसी चीज़ के को लेकर उन्होंने ऐसे सोचा था. वो एज अ फिल्म ही हमेशा से एंड इम्तियाज अली सर इज़ दैट काइंड ऑफ अ डायरेक्टर और दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो जो कैरेक्टर को लेकर दिमाग में चलते हैं और एक्टर्स को उस हिसाब से आई फील कास्ट करते हैं. आज तक कि उनके जितने भी एक्टर्स रहे हैं वो मतलब काफ़ी बड़े नाम हैं या फिर काफ़ी टैलेंटेड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस रहे हैं. तो आई रियली फील दैट इट्स अ बिग बिग अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ ऑफ अस बीइंग अ पार्ट ऑफ लव आजकल. इट्स डिफिकल्ट टू कीप लाइक व्हाइल आई एम अप्रिशिएटिव बट इट्स डिफिकल्ट टू कीप आंसरिंग दिस क्वेश्चन विद इक्वल एंथुसियाज्म बिकॉज वन हैज बीन सेइंग दिस नाउ फॉर लाइक 20 डेज नियरली बट वी शुड से इट लाइक इट्स द फर्स्ट टाइम बिकॉज आपके लिए तो पहली बार है तो बोलेंगे. आई थिंक दैट वी आर वेरी ग्रेटफुल. इट्स नॉट वेरी ऑफन दैट यू सी people getting this kind of love and this kind of traction before anything of the film even comes out, you know. So, 98% bahut thankful hoon aur abhi 2% thodi nervous bhi hoon kyunki abhi Valentine's Day ke din scrutiny to bahut honi hai ki dekhte hain ye hai kya lekin. So, I mean, really, but that aside, I think that we both, I can speak for both of us when I say that we're very, very thankful and very very grateful to all the encouragement that we get. जैसलमेर में होने वाली गोदरेज की पार्टी में मुंबई से कई कलाकार रवाना हुए जिन्हें मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. लव बर्ड विपाशा और करण को स्पॉट किया गया इंडिगो रेस्टोरेंट बांद्रा में जहां वे लंच के लिए पहुंचे हुए थे. एंटरटेनमेंट ऑफिस जुहू में देखा गया अनन्या पांडे को जो इस मौके पर काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी. एक होटल में शुभ मंगल ज्यादा सावधान का प्रमोशन देखने को मिला जिस मौके पर फिल्म के बारे में बातें की गई. एयरपोर्ट से वापस आते वक्त देखा गया ऋतिक रोशन को.